sense. ये आप देख रहे हैं आजकल ये काफी पॉपुलर है, इसको मल्चिंग कहते हैं। एक्चुअली मल्चिंग आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है और मैं आपको बताऊंगा, हमें अपने प्लांट की मल्चिंग क्यों करनी चाहिए। अगर आप न्यू गार्डनर हैं, रूफ टॉप पे लगाना चाहते हैं कोई प्लांट, या होम गार्डन में लगाना चाहते हैं, तो एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज आता है कि जब हम प्लांट लगाते हैं तो किसी भी प्लांट में इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स ना लगाना पड़े, क्योंकि जब प्लांट लगाते हैं ग्रीन पत्तियों को देख के कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं जो वेजिटेरियन है वो इन पत्तियों का क्लोरोफिल खाते हैं, ये जो ग्रीननेस दिख रहा है इन पत्तियों में इसी को खाते हैं, और ये ही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रूट तक अपना न्यूट्रिशन पहुंचाने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं लीव्स किसी प्लांट की, लीव्स बची हैं तो प्लांट्स बचा रहता है, क्योंकि भोजन बना पाता है, सर्कुलेट कर पाता है उसके न्यूट्रिशंस को। तो पेस्ट कैसे कंट्रोल करें ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो वीडियो में से एक सीरीज में बात करेंगे। ये मल्चिंग कर रखी है हमने और ये जैसे कि देख रहा है ये नीम की पत्तियां हैं, तो पहले तो हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि इसकी जो बेनिफिट्स हैं उनमें से पेस्ट कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये नेचर के दिया हुआ गिफ्ट है, क्योंकि नेचर ने दिया है। नेचर में सभी चीज़ रहती हैं, मोस्टली प्राइमरी सोर्सेस सारे नेचर के दिए होते हैं मोस्टली, और उन्हीं में से एक है ये नीम, जो कि नेचुरल पेस्ट कंट्रोल होता है।